बताओ, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? कोई गुलाम बनकर कैसे खुश रह सकता है? ये कैसी बातें कर रही हो चिड़िया रानी? क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ? इसीलिए तो तुम्हारे रहने के लिए इतना महंगा पिंजरा लेके आया हूँ और रोज तुम्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल भी देता हूँ। फिर भी तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हें यह सारी बातें समझ में नहीं आएगी और इसके लिए तुम्हें पिंजरे में आना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी आ जाता हूँ पिंजरे में। अरे चिड़िया रानी, मेरे तो यहाँ दम से घुटा जा रहा है, मुझे निकालो, ये पिंजरा खोलो। अब ये पिंजरा नहीं खुलेगा। कैसी बातें कर रही हो, तुम कैसे रह रहे हो यहाँ? मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए राशन पानी लेके आना है, उनको स्कूल में लेके जाना है। अगर मैं नहीं गया बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये कहाँ मुझे गुलाम बना के छोड़ दिया, यहाँ से आजादी चाहिए। ये पिंजरा खोलो। मैं आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर दूंगी, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। अगर आपको मिठाई खानी है तो मैं ना कर दूंगी। तू पागल हो गई हो क्या चिड़िया रानी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से आजादी चाहिए। तुम कैसे रहती हो यहाँ? मुझे निकालो, बाहर निकालो, मुझे आजादी दे दो इस पिंजरे से। मुझे आजादी दे दो। इस पिंजरे से आजाद होना चाहते हो? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करती हूँ। अब मैं इस पिंजरे से आजाद हूँ और उड़कर भी कहीं पर भी जा सकती हूँ और एक खुशहाल जिंदगी अपने ही तरीके से जी सकती हूँ। और आपको भी आजादी का महत्व समझ में आ गया होगा कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया है कि आजादी का क्या मतलब है और ये भी समझ में आ गया है कि अब इस तरह के पिंजरे का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह जब हमारा भारत देश इस सोन चिड़िया की तरह सोने की चिड़िया कहलाता था, विदेशी लुटेरों ने आके उसको इसी तरह से गुलामी के पिंजरे में जकड़ रखा था, कैद कर रखा था, और उससे आजादी पाने के लिए और वो आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के हर तबके, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर कोने के लोगों ने मिलजुल कर प्राणों की आहुति दी, तब जाके हमें आजादी मिली। उन्हीं में से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने ही क्रांति वीरों ने अपने प्राणों को कमाया। वो तो चले गए, लेकिन हम सब ने मिलकर अपने आजाद भारत को क्या दिया? ये पास हो गए, चलो घर बताते हैं। पापा से कहेंगे कॉलेज में एडमिशन दिला दो। पापा, हम 12वीं क्लास में पास हो गए, अब हमारा कॉलेज में एडमिशन करवा दो। अरे बस बस, मेरे पास कॉलेज की फीस के लिए इतने पैसे नहीं है, इससे तो बढ़िया मैं आपकी शादी करा दूंगा। पर पापा, अब भाई को भी तो पढ़ाते हो। ये तुम्हारे आगे जाके सहारा बनेगा। पापा पढ़ लेना, घर पे ना जितना अधिकार मेरा पढ़ने का है ना, इतना मेरे बेबे का दिया, पढ़ने में क्या दिक्कत था? अरे बस बस, मुझे पता है कितनी पढ़ती है, जीस डालती है, फैशन करती है, इसी करके तो छेड़छाड़ बढ़ती है। आज से इनका कॉलेज भी बंद और घर से निकलना बिल्कुल बंद। वो एक छोरी पढ़ने में करे यकीन, कॉलेज में जाना चाहे।
मिल जाते हैं जो इंसान का इंसान के साथ भेद करते हैं। केवल लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ने से और आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर ये कॉलेज में जाएंगी तो ये जींस डालेंगी, अगर ये कोर्स में जाएंगी तो मोबाइल की आदत हो जाएगी, अगर ये कोई नौकरियां करेंगी तो फैशन करेंगी, इनका पहनावा बदल जाएगा। और कहते हैं इसी वजह से तो घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन हम पूछते हैं अगर इन घटनाओं के पीछे केवल जींस फैशन या पहनावे का कोई दोष है तो क्यों आज 6 साल की बच्ची के साथ घटना हो जाती है? अगर दोष किसी जींस या फैशन का है तो क्यों 6 महीने और 2-2 महीने की बच्ची के साथ घटनाएं हो रही है? अगर दोस्त किसी चीज का है, पहनावे का है या फैशन का है तो क्यों आज 80 और 90 साल की बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं है? इसका मतलब दोस्त ना किसी चीज का है, ना फैशन का है, ना पहनावे का है। अगर दोस्त है तो इस गंदी मानसिकता का। अब ये कहां से आ जाती है? अगर आज जरूरत है इस आजाद भारत में तो ये सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि ये मानसिकता आज कहां से आ रही है। लेकिन क्या मामला यहीं तक सीमित है? इस आजाद भारत में प्रकृति ने हम सबको जीने के लिए कुछ संसाधन दिए हैं, कुछ उपहार दिए हैं, लेकिन हम सब ने कुछ छोटी छोटी लापरवाही करके उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि प्रकृति के दिए उस खजाने के ऊपर भी आज इस तरह से आपदा भी मची है। अभी तेरी लकड़ी
कि आपकी आंखों और कानों से होते हुए नाटक का पूरा संदेश आपके जहन तक गया है, जो कि हमें भी बड़ा अच्छा लगा। और नाटक देखने के बाद शायद एक छवि भी बदली हो, क्योंकि अक्सर इस तरह की टीमें जब सामने आती हैं तो कई तरह की धारणाएं बनती हैं मन में, खेल तमाशे वाले या पता नहीं क्या बाजी करता है या कुछ भी। लेकिन शायद नाटक के संदेश से आप इस बात को जाना होगा कि जो टीम रिदम रंगमंडल आपके बीच में आया है, केवल कोई मनोरंजन करने नहीं आया, और ना कोई ऐसा है कि ये दिखाने के बाद आपसे कोई इस तरह की डिमांड है कि हमें किसी खेल तमाशे की तरह आपसे कुछ उम्मीद है कि भाई कोई गुड़ चना पैसे या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप हमें दे। सिर्फ इतना मकसद कि जो बात इस नाटक के माध्यम से कही गई है, हम एक बार अगर अमल भी नहीं कर पाए तो कम से कम सोच विचार हम जरूर शुरू करें उसमें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो यह टीम आपके सामने आई है, तो मकसद यह है कि इस नाटक के माध्यम से हम बात कर पाए कि हमारे देश में तरक्की विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हम किसी भी तरह की कुरीतियों से छुटकारा नहीं पा सके। आज हम तमाम तरह की कुरीतियों में लिप्त हैं, हम भेद करते हैं, हम जाति में बटे हैं, हम धर्म में बटे हैं, हम मजहब में बटे हैं, हम अक्षेत्रवाद में बटे हैं, और हम अमीरी गरीबी में बटे हैं, और हम एक पदवी में बटे हैं। तो हर जिसको भी लगता है कि मैं इससे थोड़ा सा बड़ा हूँ और अपने से थोड़े से छोटे को भी दबाने की कोशिश करता है, यह एक समाज में इंसान की फितरत बनी हुई है। तो हम इस चीज़ से जब तक नहीं उभरेंगे तब तक इंसानियत का विकास संभव नहीं है, और इसी के चलते स्वार्थ के चलते हमने अपनी प्रकृति के साथ भी जो छेड़खानी की है। तो इस तरह की बात करना चाहते थे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस नाटक के माध्यम से। इसके बाद में श्री मोहनलाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए, एक छोटा सा सम्मान हम लोग आपको देना चाह रहे हैं रिदम रंगमंडल की ओर से, आप कृपया मंच पर आए। एक बार जो तालियों से हम स्वागत कराए करते हुए आदरणीय मोहनलाल जी को एक बार जोरदार तालियां। और पुनः हम चाहते भी हैं कि पेड़ जो वृक्ष आपको दिया गया है आप इसको लगाएंगे नहीं, बच्चों को आगे कहेंगे इसको पालना भी है बहुत जरूरी है। पवन भारद्वाज जी उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर, कृपा जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। डॉक्टर अजय शर्मा जी उनको भी कैप पहना करके सम्मानित उनको कर रहे हैं। बच्चों जोरदार ताली, आपको भी कुछ ना कुछ देंगे हम, मास्टर नहीं देंगे आपको और देने वाली है कुछ ना कुछ।
धन्यवाद।